तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया तरीके से ये बैंगन फ्राई की सब्जी बनकर तैयार हुई है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन फ्राई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ये बेबी ब्रिंजल लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बैंगन लिए हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, लेकिन जो इसकी ये डंडी है मैंने इसको नहीं काटा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बैंगन को हम ऐसे बीच में से कट लगा लेंगे, ये एक और ये दो। इसको अच्छे से हम ऐसे चार हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हम इसको एंड तक नहीं काटेंगे। तो ऐसे ही मैं सारे ब्रिंजल्स पर ऐसे कट लगा लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने सारे बैंगन को ऐसे कट लगा लिया है। ऐसे कट लगाने से क्या होगा, एक तो इसके अंदर अगर कोई कीड़ा वगैरह है तो हमें वो पता चल जाएगा, और जब हम इसको फ्राई करेंगे, जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे, तो इसके अंदर सारा मसाला जो है वो अच्छे से चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 चम्मच भरकर घी के डाल दिए हैं, और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसमें ये बैंगन डाल रही हूँ। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है। अब हम इनको बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार हिला लेंगे, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको अब हम फ्राई करेंगे। अब इसको एक बार हम अच्छे से हिला देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाएं, और अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बैंगन जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने अब तड़का लगाने के लिए वही सेम पैन ले लिया है, इसमें ऑयल भी मैंने वही रहने दिया। अगर आपको लगे कि ऑयल ज्यादा है तो आप इसमें से निकाल लें। तो अब मैं इसी ऑयल में डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरे के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और साथ ही में मैं डाल दूंगी इसमें ये हरी मिर्ची। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटा हुआ प्याज, और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये प्याज जो है वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो प्याज है हमारा अच्छे से कुक हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर। ये 2 टमाटर लिए थे मैंने, जिनको कि मैंने बारीक काट लिया है, और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर और गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें अच्छे से कलर के लिए डाल रहे हैं देगी मिर्च,
आप इसमें मिर्ची जो अपने अकॉर्डिंग सेट करें, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं इसमें मिर्ची। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी। और अब हम इस मसाले को 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए मसाले ने कितने अच्छे से घी छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल 2 चम्मच दही के। दही जो इसमें डाली है वो बिल्कुल फ्रेश ही डालें, क्योंकि टमाटर का भी खट्टापन हो जाएगा और दही अगर आप खट्टी डालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ये मसाला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 ग्लास पानी का। और अब हम इस ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे, ढक कर पका लें 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए ग्रेवी ने अच्छे से घी को छोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये बैंगन हमने फ्राई किए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसको एक बार अच्छे से मसाले में डिप कर देंगे। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि जो सारे मसाले का फ्लेवर है वो बैंगन के अंदर चला जाए। एक बार इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर दें, ताकि बैंगन हर साइड से अच्छे से पक जाए। इसको ग्रेवी में अच्छे से डुबो दें। और इसको फिर से ढक के पका लें। चलिए देख लेते हैं। वाह, कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है इसका। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। और अब हम एक बैंगन को देख लेते हैं कि ये अच्छे से हुए हैं या नहीं। तोड़कर देख लें। ये देखिए ये अच्छे से टूट रहा है, इसका मतलब जो हमारे बैंगन हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं और अब हम इस सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इस टेस्टी सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी बैंगन फ्राई जो है वो एकदम रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।